नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं मलिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है हमसे थोड़ी ही दूर पर भारत स्नान, लेकिन कुछ लोग मौजूद है जहाँ आज चैनी मिठास बांट रहे हैं। एक तरफ पड़ा था आदिवासी महाराज, दूसरी ओर आज शांति स्थापित हो रही है। हो सकता है कोई कहे कि मामला बिगड़ा ही नहीं था। एक एक करके सभी से सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं और फिलहाल माहौल कैसा है। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर यहाँ क्या संदेश देना है पहले? यहाँ देखिए, जो बहुत सारी अफवाहें चल रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या हम लोग आदिवासी को चढ़ने नहीं देंगे, रोक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ और आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जैन भी आ रहे जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रसाद वितरण का भी एक प्रोग्राम कर रखा है, वो भी चल रहा है। काफ़ी खुशनुमा माहौल है और पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि अभी यहाँ सब कुछ अच्छा है, कृपा कर अफवाहें ना फैलाएं। और जो भी गलत संदेश लोग दे रहे हैं वो अपने संदेश पर विराम लगाएं। तत्काल हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की वस्तुस्थिति जानते हैं, हम लोग आदिवासी लोग और हम लोग बसों से एक हैं, एक ही रहेंगे और एक ही चलता है। प्रसाद विसर्जन में हम लोग हर साल ही प्राय कुछ ना कुछ बांटते हैं। इस साल अंतर्मिला महाराष्ट्र प्रसन्न कार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने सब जैन समाज, सनातन जो भी आदिवासी लोग हम लोग सब मिलकर यहाँ बांट रहे हैं। आप उसका लाइव वीडियो दिखा सकते हैं और पूरे देश में संदेश दीजिए कि सभी कुछ यहाँ पर अच्छा है। और सारा संदेश अच्छा है कि हमारे अभी ये हम लोग भी आए हैं, अभी बबलू भाई हैं, रुजू मरांडी और बबलू भाई कोरे, इनसे भी आप देश को अच्छा संदेश दीजिए। जो लोग भ्रमित हैं वो सबका दिमाग खुले, सब कुछ बढ़िया। माहौल तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, दो तरह से परोसा जाता है। एक मीडिया है, सोशल मीडिया जो है अपने विचार बच्चे उनके व्यक्तिगत विचार है, ये साथ में है, हम आपको नहीं चढ़ने देंगे। आप व्यक्तिगत राय है वो कुछ करता है, मेरे भाई को प्यार मान करके मानते हैं कि समाज का विचार है, एकदम निराधार। इस समाज जैन समाज का कोई ऐसा विचार नहीं है कि अदर लोगों को, नॉन जैनों को चढ़ने नहीं दिया जाए, गलत समाज है। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, जैन समाज और यहाँ का हमारे मूल निवासी जो हैं और आदिवासी समाज हमारे भाई बहन हैं, हम लोग सब आज से नहीं, मैं 35 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ। 35 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि मकर संक्रांति मेला किसी जोश और खरोश के साथ लगता आ रहा है और सब परस्पर सभी वर्ग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। पारसनाथ भगवान किसी एक का नहीं है, पारसनाथ भगवान सबके और उनके दरबार पर जाने का अधिकार सबको है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसको नहीं जाने देंगे, उसको नहीं जाने देंगे, ये गलत है। ये कोई असामाजिक तत्व है, क्या है पता नहीं, क्यों शांति भंग करना चाहते हैं देश की, समाज की और मजबूत की, मुझे नहीं पता। ये जो है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है कि समाज में अशांति फैलानी है, किसी को ऊंचा कराना है, किसी को ऊंचा कराना है, किसी का परस्पर वैर विरोध हो सकता है, लेकिन आप कहें कि पूरी जैन समाज ऐसा कह रही है, ये गलत है। ये समाज का एजेंडा नहीं है, मैं बराबर इसका निराधार कर रहा हूँ। ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या कोई एक छोटा मोटा ग्रोह है जो आपस में लड़के एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण आदिवासी समाज का भी नाम बदनाम हो रहा है और जैन समाज का नाम भी बदनाम हो रहा है। सच्चाई ये है मैडम कि ना आदिवासी समाज खराब है, ना जैन समाज खराब है। आदिनाथ भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका पहला शब्द आदि है और आदिवासी उन्हीं के शब्द से आदि, उस समय के जो वासी हैं वही आज आदिवासी हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक हमेशा समाज का, जैन समाज का, आदिवासी का प्रेम सौहार्द बना रहा है। पता नहीं कौन सा कलयुग है कि कुछ लोग क्यों
दोनों वर्ग की गलती हो सकती है, जैन वर्ग की भी हो सकती है और आदिवासी या दूसरे नेताओं की भी हो सकती है, जो कुछ लोग हैं जो समस्त प्रजाति को, समस्त जाति को दो भाग में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये निराधार है। एक सवाल है कि यहाँ मीडिया आ रही है उन्हें मोदी मीडिया कहा जा रहा है, एक बात बताइएगा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया ऐसा कर भी रही है तो क्या हम लोग गांधी को प्रणाम समझ रहे हैं? नहीं मैडम, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में मीडिया ही एक ऐसा दर्पण है जो सच्चाई है। मैं मानता हूं कि अगर मीडिया आज नहीं होती तो आज हर वर्ग इतनी ईमानदारी से अपनी बात भी नहीं रखता। गांव का आदमी गांव में बात दबी रह जाती, शहर का आदमी शहर में बात दबी रह जाती। ये मीडिया ही है चौथा स्तंभ भारत का, जो हर व्यक्ति को बोलने की और सच्चाई को उजागर करने की क्षमता रखता है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि मीडिया जो दिखा रही है सही दिखा रही है, लेकिन मीडिया का आभार है। लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से कि एक आदमी का सुनकर के तुरंत उसको प्रसारित करें वो भी गलत है। आप दोनों पक्षों को सुनिए, धरातल पे जाइए और सच्चाई को फिर पब्लिक के सामने लाइए, तो मुझे लगता है मीडिया अच्छा तो काम कर ही रही है और अच्छा काम होगा। हम बता देना चाहते हैं पैसे के बल पर नेशनल चैनल वालों ने, जैसे आज तक हो ब्लैक एंड वाइट में जो दिखाया वो जब एक तरफा दिखाया, उसमें मेरा भी प्रतिक्रिया दिया गया था। इस आंदोलन को जो जो लीड कर रहे थे उसको उनका भी प्रतिक्रिया दिया गया, तब ब्लैक एंड वाइट में क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो जानता था कि ये लोग के प्रतिक्रिया अगर दिखाएंगे तो इंडिया वो जान जाएगा। लेकिन मैं यहाँ छोटे छोटे चैनल वाले को, छोटे छोटे यूट्यूबर को, मैं वैसी और यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोगों की तरफ से, आदिवासी निवासी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ के वास्तविक स्थिति को दिखाया, समझाया कि आज हम लोग कितने कष्ट में हैं, यहाँ पे जितना मतलब वास्तविक स्थिति को देखते हुए अपने अस्तित्व के खतरा को लेकर जब आप लोगों ने मदद किया तो ही हम ये सब बता पा रहे, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम तो आज भी कहते हैं कि हमारा लड़ाई सरकार से है और सरकार हमें नोटिफिकेशन में संशोधन करे, मेरा झगड़ा खत्म हो जाए। और जब तक संशोधन नहीं करेगा तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, आखिर नेशनल चैनल वाले यहाँ के आदिवासी मूलवासी को क्यों नहीं दिखाते, ये सवाल किसी ने नहीं किया। जबकि ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी के जो सरजीत राय उनको प्रतिक्रिया दिए थे, मैं नहीं दिखाया। हमें लगा कि यहाँ पैसा भारी है, यहाँ मुद्दा भारी है। सर एक बताइएगा, जैसे हम लोगों पे आरोप लग रहा है कि हम लोग आदिवासियों के मुद्दे को दिखा रहे हैं, तो आप लोगों ने से आप लोग तो हम लोगों को खरीदे नहीं है, तो इसका कहने का अर्थ है कि जैन समाज ने भी नहीं खरीदा क्योंकि वो तो पैसे वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, पैसा देने के लायक भी नहीं है। हम लोगों के पास मुद्दा है और वर्षों का दिया हुआ धरोहर है जिसको बचाने के लिए हम लोग रोड में निकले हैं। हाँ, और वो आज ऐसा नहीं कि आज मिला है, हमें भारतवर्ष से पहले ही मिला है, देश आजाद होने से पहले ही मिला है। और उस चीज़ को जब छोटे छोटे चैनल वालों ने दिखाया तो उनका प्रतिक्रिया आया, स्वाभाविक है आएगा। यही प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया जब आज तक क्यों चलाया गया, वहाँ भी आना चाहिए कि आप एक ही पक्ष को क्यों दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी लेते हैं। अगर आपको प्रतिक्रिया नहीं दिए थे तब बोला जाता कि नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन हम लोग को ये ना दिखाना एक विभाग सुनी है और ब्लैक एंड वाइट से ही आंदोलन शुरू होता है और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि आज सरकार और केंद्र सरकार तक जा पहुँचे। पहले कंसल्ट